हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास सिक्स का एसएसटी बुक है सोशल साइंस, और इसमें इस चैप्टर वन में मैं आप लोगों को इसका शॉर्ट्स जितने भी आंसर हैं उसको मैं क्लियर कर चुका था। तो आज इसका मैं लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को उसका आंसर क्लियर कर देता हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें जो है ये इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ ए प्लेस प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंफ्लुएंसिंग इट्स हिस्ट्री, हाउ। तो यहाँ इसका आंसर हम कहाँ से ले सकते हैं। वैसे तो मैंने आंसर पूरा कम्प्लीटली बना दिया है, लेकिन फिर भी मैं उस प्लेस को दिखा देना चाहता हूँ कि आंसर कहाँ से इस चैप्टर में उसका आंसर कहाँ पे दिया हुआ है। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ ए कंट्री, तो ये प्लेस पे, इस जगह पे दिया हुआ है उस चैप्टर का, उस क्वेश्चन का आंसर। और इसके अलावा इधर से भी इसको लिया गया है। तो एक आंसर बनाने के लिए आपका चैप्टर में परफेक्टली उस क्वेश्चन का आंसर दिया रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ वहाँ से एडजस्ट करके आपको आंसर बनाना पड़ता है। कई बार आपको दूसरे बुक्स का हेल्प लेना पड़ता है या साइट्स वगैरह का भी हेल्प लेना पड़ता है। तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। यह है इसका आंसर, द ज्योग्राफिकल फीचर्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ ए प्लेस द हिमालयन माउंटेन्स हैव प्रोटेक्टेड इंडिया against central asian invasion and harsh weather, the plains of the ganga and the indus helped the civilization to flourish in the river valleys, abundance of water to support life, fertile soil which helped crops to grow, rivers also facilitated the movement of goods and people, helped in the expansion of trade. to yahan pe geographical features ke bare mein batlaya hai ki himalaya jo hai wo hame मध्य एशिया से हमारी रक्षा करता है, उधर से किसी भी दुश्मन को आसानी से आने नहीं देता है। इसके अलावा वहाँ का वेदर जो होता है, मौसम, वो ठंड वेदर जो होता है वो हमारे इंडिया में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसके अलावा गंगा और सिंधु नदी के द्वारा जो मैदान बने हुए हैं वो लोगों को वहाँ पे लाइफ को जीने के लिए अच्छा सपोर्ट मिलता है। अबेंडेंस ऑफ वाटर, काफ़ी पानी मिलता है जिससे कि वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या बस पाते हैं, और वहाँ पर सिविलाइजेशन, सभ्यता का विकास भी हो पाता है। जहाँ लोग रहेंगे वहीं सभ्यता का विकास होगा। और यहाँ पर मिट्टी जो है वो बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ है, जिसके वजह से वहाँ पे क्रॉप्स आसानी से ग्रो हो पाता है। इसके अलावा रिवर्स जो बड़े बड़े नदियाँ जो होते हैं वो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करते हैं, और अपने सामान को इधर से उधर ले जाने में मदद करते हैं, जिससे कि वे व्यापार को आसानी से फैला पाते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई आर अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर ट्रीटेड एज ए वैल्यूएबल सोर्स इन स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ एनी पीरियड। जो विदेशी लोग यहाँ पे आते थे तो उन लोगों का जो लेख है उससे हमें हिस्ट्री के बारे में अधिक जानकारी किस प्रकार से मिल पाता है, या क्यों वो अवेलेबल है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स ट्रीटेड एज ए वेल्युएबल सोर्स इन स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ एनी पीरियड बिकॉज दे ग्रो लाइट ऑन द पोलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ दोज टाइम। तो उन लोगों के द्वारा जो लिखित लेख है वो हमें हिस्ट्री के बारे में जानने में और भी मदद करता है, क्योंकि वे लेख जो होते हैं, उन लोगों ने जो लिखा है उसमें कई सारी जानकारियाँ रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, पॉलिटिकल जानकारी रहता है, इकोनॉमिकल जानकारी रहता है, और रिलीजियस मतलब धार्मिक जानकारी भी रहता है। तो उस समय जब वो लिखे थे तो उस समय की बातें रहता है, तो इसीलिए उस पीरियड की हिस्ट्री को जानने में हमारी मदद कर पाता है। तो इसका आंसर कुछ छोटा है, तो ये ज़्यादा आप लोगों को याद करने में आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री की अध्ययन क्यों करना चाहिए, उसकी पढ़ाई क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है यहीं पे दिया हुआ है, जो समरी जो दिया हुआ था वहाँ पे है, यहाँ पे आंसर इसका सटीक रूप से दिया हुआ है, तो हमें चैप्टर में विशेष रूप से खोजने की जरूरत नहीं है। वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, तो इसके अनुसार से इसका आंसर हम दे सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को लिखा हुआ आंसर दिखा देता हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, वी शुड स्टडी हिस्ट्री बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, हिस्ट्री पढ़ने के पीछे ये सब कारण हो सकते हैं या होते हैं। हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ ग्रेट मैन, स्टडी ऑफ पास्ट एड्स टू अवर नॉलेज, हमारे नॉलेज को बढ़ाता है। वी कैनॉट स्टडी द प्रजेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ द पास्ट, हम लोग पास्ट की जानकारी लिए बगैर प्रजेंट की जानकारी लेना मुश्किल है। हिस्ट्री इज एन अकाउंट ऑफ द इवेंट्स ऑफ अदर कंट्री, हिस्ट्री से हमें दूसरे देशों की भी जानकारियाँ मिलता है, उससे पता चलता है कि उन देशों में क्या हुआ था। हिस्ट्री इज ए ग्रेट टीचर, हिस्ट्री एक बहुत बड़ा शिक्षक है, हमें उससे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर क्वाइंस कंसीडर्ड ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट एंशियंट इंडिया, द
प्राचीन भारत के सिक्के एक ऐसे सोर्स है जिसके द्वारा हमें इंडियन हिस्ट्री के पता चलता है। तो कैसे पता चलता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है। इस चैप्टर में सिक्कों के बारे में इतना ही दिया हुआ है और यहाँ से सटीक आंसर बनाया जा सकता है ये मुमकिन नहीं लगता है, इसीलिए इसमें कुछ और एक्स्ट्रा आपको ऐड करना होगा, कुछ जो है आपको अदर बुक से या साइट से देखकर उसमें कुछ सूटेबल आंसर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है थाउजेंड्स ऑफ कॉइंस हैव बीन फाउंड, हज़ारों सिक्के मिले प्राचीन भारत में, और यहाँ पे इन सिक्कों में फिगर बना हुआ रहता था, कुछ मार्क्स बना हुआ रहता था, और चंद्रगुप्त के ज़माने का जो कॉइन था उसमें उसको बीना बजाते हुए दिखाया गया था, तो अलग अलग उसमें कुछ अलग अलग फिगर बने हुए रहते थे। इस तरह से हमें पता चलता है कि वो कॉइंस जो है हिस्ट्री के बारे में हमें बतलाता है। तो आइए मैं आप लोगों को जो आंसर मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ वो दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये, द कॉइंस हैव बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, दे टेल अबाउट द वे ऑफ लाइफ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेनिंग किंग्स, एन आइडिया अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द पास्ट, द एक्सटेंट ऑफ द किंग्स एम्पायर, द ट्रेड पॉलिसीज एंड रूट्स, आर्ट एंड रिलीजन ऑफ पार्टिकुलर पीरियड। तो उस क्वाइन के द्वारा हमें पता चल सकता है कि उस समय कौन सा राजा राज करता था, उसके बाद हमें उससे पता चलता है उस समय की इकोनॉमी कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, और इसके अलावा जो राजा उस समय शासन कर रहा था उसका साम्राज्य कितना फैला हुआ था। इसके बाद ट्रेड पॉलिसी, मतलब उस समय बिजनेस की क्या पॉलिसी थी और वह किस रूट से लोग अपने सामान को इधर से उधर ले जाया करते थे। इसके अलावा आर्ट एंड रिलीजन पार्टिकुलर पीरियड, उस समय का, उस समय लोग किस कला को अपनाते थे और किस धर्म को अपनाते थे, इसके बारे में भी हमें सिक्कों से जानकारी प्राप्त हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेक्युलर लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर के बारे में एक नोट लिखने के लिए कह रहा है। तो सेक्युलर लिटरेचर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, यह है सेक्युलर लिटरेचर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें बायोग्राफीज, ड्रामा, हिस्ट्रिकल वर्क एंड द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर, ये सारी चीज़ें इसमें मिली हुई रहती है इस लिटरेचर में, इस बुक में। यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है इसके बारे में, तो यहाँ से एक आंसर आप बना सकते हैं। तो आइए मैं दिखा देता हूँ इसका आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, द सेक्युलर लिटरेचर इंक्लूड्स बायोग्राफीज, ड्रामा, हिस्टोरिकल वर्क्स एंड द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, अर्थशास्त्र रिटेन बाय कौटिल्या प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, अबाउट द मौर्यन एज, द संगम टेक्स्ट इन तमिल अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द तमिल पीपल। यहाँ पे इस लिटरेचर में क्या क्या शामिल रहता है, यहाँ सारा चीज़ लिखा हुआ है, इतना सारा चीज़ शामिल रहता है। इसके बाद यहाँ पे दो ग्रंथों के बारे में बताया गया है, अर्थशास्त्र के बारे में और एक संगम जो है तमिल लोगों का कल्चर जिसमें दिखाया गया है, इसके बारे में बताया गया है। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है हु एम आई, मैं कौन हूँ, आई एम ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री फॉर विच देयर इज़ नो रिटेन रिकॉर्ड, मैं ऐसा हिस्ट्री हूँ जिसमें कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है जिसका, तो उसको कहा जाता है प्री हिस्ट्री। उसके बाद वर्ड्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन मी, मेरे ऊपर वर्ड्स जो है इंस्क्राइब्ड मतलब लिखे गए हैं, आई कुड बी ए स्टोन और ए मेटल पीस, मैं या तो पत्थर हूँ या कोई धातु का टुकड़ा हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम कलेक्शन ऑफ फेमस बुद्धिस्ट टेल्स ऑफ द प्रीवियस लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, तो इसका आंसर हो जाएगा जटाका टेल्स, और आई एम द पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री रिटेन बाय हैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा मेनुस्क्रिप्ट्स, मैं आपको लिखित आंसर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है प्री हिस्ट्री, इंस्क्रिप्शंस, जटाका टेल्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स। यहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं। और क्या बचा हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़, तो इसको आपको स्वयं बना लेना है। और यहाँ पे एक दिया हुआ है कि आप किसी मोनूमेंट्स में जाते हैं तो जाने के बाद वहाँ पर आप क्या करते हैं, तो यहाँ पर स्क्रिबल ऑन द वॉल्स ऑफ द मोनूमेंट्स, तो मोनूमेंट्स जो इमारत है आप उस पर क्या चीज चास कर लिखते हैं, लिखना चाहिए तो नहीं लिखना चाहिए, क्रॉस हो जाएगा। स्पिट हेयर एंड देयर, क्या इधर उधर थूकना चाहिए तो नहीं थूकना चाहिए, तो ये जो है क्रॉस कर देना है। लिटर द प्लेस अराउंड इट विथ पैकेट्स ऑफ इटेबल्स, खाने के चीज़ों का पैकेट जो होता है इधर उधर जमा कर देना चाहिए, कूड़ा कचरा सब जमा कर देना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। नोट डाउन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यू गैदर अबाउट द मोनूमेंट्स, तो मोनूमेंट्स के बारे में आपको
जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको जमा करना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। टैक्स फोटोग्राफ्स ऑफ द मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स का फोटोग्राफ लेना चाहिए, तो वहाँ पे जाते हैं लोग तो फोटोग्राफ लेते ही हैं, इसलिए इसमें भी सही हो जाएगा। प्रशासन वहाँ पे आपको इजाज़त देता है तो आप वहाँ पे उसका फोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और इसके अगले चैप्टर को मैं जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। अगर हमारे वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं।